एक की होल की शक्ल का बेकल किला 40 एकड़ पर वसी पैमाने पर फैला हुआ है। इस किले को 1992 में हिंदुस्तानी हकूमत ने खसूसी सियाहती किला करार दिया था। साहिल के करीब वाक़या ये किला बहीरे अरब के पथरेले साहल का दिलकश नज़ारा पेश करता है। बेकल किला केराला की भरपूर तारीख को खराज तहसीन पेश करता है। वक़्त की कसौटी पर खड़ा है, मुख्तलिफ खानदानों की ताकत की जदोजहद का खामोश गवाह है। इसके हुक्मरानों में से हर एक ने किला में तरमीम की और जाती राबते का इजाफा किया। ऊंचा ऑब्जर्वेशन टॉवर जिसे टीपू सुल्तान ने तामीर किया था, बेकल, कोटीकलम, अडोमा के पड़ोसी कस्बों का खूबसूरत मंजर पेश करता है। बेकल फोर्ट एंड और साहिल समंदर को अपनी बेपनाह खूबसूरती की वजह से मुतअद्दद फिल्म साजों के लिए एक पस्से मंजर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। किला में मुतअद्दद पैदल रास्ते और किले हैं और ये मुकम्मल तौर पर चारों तरफ से खंदकों से घिरा हुआ है। ये साहिल के इतना करीब बनाया गया है कि लहरें मुसलसल इसकी बैरूनी दीवारों से टकराती हैं, जिससे ऐसा लगता है कि किला पानी से ही उभरा है। हर साल हजारों सियाह केराला की तरफ रागिब होते हैं और इनका सफर इस खूबसूरत किले की सैर के बगैर अधूरा है। बेकल के अहम पुरकशिश मकामात से जाहिर है कि इसका नाम मसल्लत किला है, जो बहीरे अरब में जा मिलता है। एक शानदार साहिल से घिरा तारीखी बेकल किला अपने ऊंचे ऑब्जर्वेशन टॉवर्स से बहीरे अरब का शानदार मंजर पेश करता है। जहां चंद सदियां पहले बड़ी बड़ी तोपें रखी जाती थी, बेकल किला अपने कीहोल के साइज के ढांचे के लिए मशहूर है। इर्द गिर्द के शानदार नज़ारे पेश करता है, खास तौर पर समंदर की इसकी फसील से। ये पूरे केराला में सबसे बड़ा और बेहतरीन महफूज किला है। इस किले की कुछ फसीलों पर बड़ी बड़ी तोपें नस्ब की गई हैं, जो अब भी बहुत मुतासर कुन नजर आती हैं। तकरीबन 300 साल कबल तामीर किया गया बेकल किला केराला के सबसे बड़े और महफूज तरीन किलों में से एक समझा जाता है। फितरत की गोद में बसा हुआ बेकल किला एक तारीखी किला है, जिसके चारों तरफ एक खूबसूरत साहिल है, जो अपने ऊंचे टावर्स से बहीरे अरब का दिलकश नज़ारा पेश करता है। जहां कभी तोपें रखी गई थी, खूबसूरत वाकवे, रोशन साहले समंदर और बेकल किला का शानदार फने तामीर इस जगह को अवाम में पसंदीदा बनाता है। इस किला को AR रहमान के मशहूर गाने तू ही रे में दिखाया गया था। मैंगलोर से 65 किलोमीटर के फासले पर वाकया बेकल किला एक कीहोल की शक्ल का एक ऊंचा ढांचा है, जो समंदर के पथरेले साहलों के खिलाफ खड़ा है, जो अपने जायरीन को अपनी खूबसूरती से महफूज करता है। सन 1650 में बेडनूर के श्योपा नायका के जरिया इस ढांचे को खड़ा करने का पूरा मकसद खालिस दफा था। ये मकाम एक बिला तातुल तारीख का गवाह रहा है, जिसमें हिंदुस्तानी शाही खानदानों से बेहतर सुल्तानों की हुक्मरानी और बरतानवी राज के नौ आबादियाती दौर में इकतदार की कई नशिस्तें तब्दील हुईं। ये केराला का सबसे बड़ा किला है, जो 40 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ है। केराला के कासरगोड जिला के बेकल गांव में वाकया बेकल किला, इसको हुकूमत हिंद ने साल 1992 में खसूसी सियाहती इलाका करार दिया था। इसे शोपा नायका ने 1650 में तामीर किया था। बेकल किला के असल के मुख्तलिफ दूसरे वर्जन हैं। कुछ नजरियात के मुताबिक किला कोलाथेरी और विजयनगर सल्तनत के जवाल के बाद कोलाटरी राजों के दौर में वजूद में आया था। बाद में ये अकीरी नायकास की हुक्मरानी में आया, जिन्होंने किला को दोबारा तामीर किया। फिर ये किला 1763 में हैदर अली के हाथ में आ गया, जो बाद में टीपू सुल्तान के एक अहम फौजी स्टेशन के तौर पर भी काम कर रहा था। जब इसके पास मालाबार पर कब्जा करने के लिए अजीम फौजी मुहिम थी, यह 1799 में था कि मैसूरिया का कंट्रोल खत्म हो गया। इसके बाद बेकल किला अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत आ गया। मजीद बरां बेकल जनूबी कैनरा जिला के बेकल तालक का हेडक्वार्टर बन गया। बेकल किला टीपू सुल्तान हैदर अली के बेटे मालाबार में अपनी फौजी कार्रवाइयों के लिए एक अड्डे के तौर पर बहुत अहम था। आसारे कदीमा के बहुत सारे सबूत मौजूद हैं, जो बेकल किला में मैसूर के सुल्तानों की मौजूदगी की तायद करते हैं।
ताहम टीपू 1799 में चौथी एंग्लो मैसूर जंग में मारा गया। इस तरह बेकल किला ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ गया। बेकल किला के बरतानवी राज के फौजी मंसूबों और इंतजामी कामों में भी अहम किरदार अदा किया। जब जिला की हदूद को दोबारा तैयार किया गया तो बेकल का कस्बा जनूबी कैनरा के जिला में बेकल तालक का सदर दफ्तर बन गया, जिसे बम्बई प्रेसिडेंसी कहा जाता। इंतजामी सब डिवीजन में है। बाद में ये कासरगोड तालका बन गया जब 1862 में जनूबी कैनरा ने मदारस प्रेसिडेंसी में शमूलियत इख्तियार की। बाद में जब हकूमत हिंद ने 1956 में रियासतों की तंजीम नो की तो कासरगोड जिला नई रियासत केरला का हिस्सा बन गया। बेकल किला आज सियाहों की तवज्जो का एक अहम मकाम है। बेकल टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अब इस जगह को बैनुल अक्वामी सियाहती मरकज बनाने के लिए कोशा है। बेकल की सुनहरी रेत, जमरत के पीछे पानी और खूबसूरत पहाड़ियों ने इसे फिल्म बीनों का हमेशा से पसंदीदा बना दिया है। बेकल किला एक ऊंची कीहोल की शक्ल का ढांचा है जो 40 एकड़ के कुल रकबे पर फैला हुआ जिला कासरगोड के छोटे से गांव पीलीकारा में वाकिया है। किले का सर सुर्ख भूरे पत्थर से बना हुआ गोल गोल है। किला की जमीन दीवारों, रास्तों और किलों पर मुश्तमिल है, जिसमें पूरे ढांचे के गिर्द खंदके हैं जो 1650 ईस्वी में तामीर किया गया था। किला का एक दिलकश हिस्सा मशाहदाती टावर है जिसे टीपू सुल्तान ने बनाया था। ये बहीरा अरब के पथरेले साहल का एक शानदार मंजर पेश करता है। इसके स्ट्रेटेजिक पोजीशन के हवाले से एक फायदा है, हाल ही में टीपू सुल्तान और हैदर अली के दौर के चंद सिखों के साथ एक दरबार दरियाफ्त हुआ है। हिंदुस्तानी किलों की अक्सरियत के बरक्स बेकल इंतजामिया का मरकज नहीं था और इसीलिए इसके अहाते में किसी महल या हवेली की कोई बाकियात नहीं है। किला मुख्तलिफ खसूसियात की नुमाइश करता है जो इसकी तामीर के मकसद को दुरुस्त साबित करता है। इसकी बैरूनी दीवारों पर सौराख हैं जो किले की दफाई ताकत को बेहतर बनाने का एक मौसर तरीका है। किला काबिले जिक्र दफाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पर ऊपर के सौराखों को दुश्मनों का निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो फासले पर मौजूद होते थे, जबकि दरमियान के सौराख करीबी दुश्मनों से लड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और सबसे निचले सौराख को किले के करीब तरीन दुश्मनों से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ज़िगज़ैग दाखिली रास्ता और खंदकें भी किला को विरासत में मिलने वाली बेहतरीन दफाई टेक्नोलॉजी की अलामत हैं। ये किला मजहबी हम आहंगी को जाहिर करता है। बेकल किला का दौरा करते हुए कोई हनुमान के मुखिया पुराना मंदिर के साथ साथ करीब की कदीम मस्जिद भी देख सकता है। किला के आसपास 9वीं सदी की एक पुरानी झील भी मौजूद है। बेकल बीच मशहूर साहले समंदर के किनारे बेकल किले से मुलहिक है। साहले समंदर हथेलियों के दरमियान ग़ुरूबे आफ्ताब का एक पुरजोश मंजर पेश करता है, जिसका इस जगह की मकबूलियत में बड़ा हिस्सा है। बहुत सी बॉलीवुड फिल्मों ने बेकल किले के साथ इस साहले समंदर की खूबसूरती को इस्तेमाल किया है। यहाँ का पानी तैराकी के लिए बेहतरीन है और आसपास के शटरबग को दावत देते हैं। शानदार बेकल किला दो खूबसूरत खजूर के किनारे वाले साहलों के दरमियान फखर से खड़ा है। इस खूबसूरत मकाम पर आम तौर पर साल भर सियाहों का हजूम रहता है, लेकिन शदीद बारिशों की वजह से जून के महीने से सितंबर तक समंदर को काफी गैर महफूज समझा जाता है। किला तकरीबन 8 बजे खुलता है और शाम 5:30 पर बंद होता है। चूंकि किला एक खुली साख्त की नुमाइश करता है, धूप के दिन जायरीन के लिए थोड़ा सख्त हो सकते हैं। अगर मौसम थोड़ी हवा और ठंडा हो तो ये जगह हफ्ते के आखिर में एक बेहतरीन सफर है। ये साइट अपनी दिलकश खूबसूरती और कुदरती शान के साथ शटरबुक के लिए कुछ इख्तियारात पेश करती है। कोई भी तकरीबन 2 घंटे में पूरी जगह का अहाता कर सकता है। बेकल किला का दौरा करने का बेहतरीन मौसम अक्टूबर से मार्च तक है, क्योंकि मौसम ठंडा और खुश्क है। सियाह इस मौसम को केरला के पूरे खित्ते में आरामदा और पुरलुत्फ महसूस करते हैं। बेकल किला तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ ज़राए आमदोरफ्त दस्तयाब हैं। यहां तक पहुंचने के लिए कोई आसानी से बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा या निजी गाड़ी ले सकता है। बेकल के दो करीबी बड़े रेलवे स्टेशन में सरगोड
और कनन्गाद हैं, दोनों रेलवे स्टेशन बेकल से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर हैं। यहां पहुंचने के बाद बेकल के लिए आसानी से टैक्सी मिल सकती है। दीगर करीबी रेलवे स्टेशन कोटिकलम और पालीकीरे हैं और इन दोनों रेलवे स्टेशनों पर सिर्फ मकामी ट्रेनें रुकती हैं। तो नाज़रीन, ये थी बेकल किला की मुकम्मल तारीखी और जग्राफियाई मालूमात। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मालूमाती रही होगी, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल सब कॉन्टिनेंट को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।